नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्या स्वागत करता हूं आपका आज के इस लेक्चर में। दोस्तों, पहले वाले क्लास में हम लोगों ने भारतीय इतिहास के सोर्स के बारे में पढ़ा था, जाना था, उसके बारे में चर्चा किया था। तो बेसिक रूप से वो इंट्रोडक्शन क्लास था कि कहां से क्या सोर्स मिले हैं, और आज हम बात करेंगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे भारत, प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें एक प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? उस काल को कहते हैं कि उसमें लिपि का विकास तो था। ठीक है, लिखित साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन जो लिपि उस समय प्रयोग की गई है वो इतनी गूढ़ है, इतनी टिपिकल है कि वो अपठनीय है, और अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो जब हम पढ़ नहीं सकते हैं तो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, तो वो पढ़ा नहीं जा सका है, अपठनीय है, जैसे कि सैंधव सभ्यता। और जो पाषाण काल के जो साक्ष्य, मतलब लिखित साक्ष्य तो था ही नहीं, वहाँ पर हमें क्या मिले हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जमीन से खुदाई के बाद जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं उसे पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। जैसे बहुत सारे भवन मिले हैं, महल मिले हैं, ठीक है, गुफाएं मिली हैं, तो इस तरह से जो भी चीज़ें, सारी गुफाएं तो बाद में मिली हैं, तो ये सब चीज़ें जो नगर महानगर, ये सब चीज़ें, जैसे बहुत सारे बर्तन मिले हैं, हथियार मिले हैं, ठीक है, जैसे पाषाण काल में जो चीज़ें प्रयोग की जाती थी वो पत्थरों की बनी होती थी, इसको पैलियोलिथिक एज कहते हैं पाषाण काल को। इसमें जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं मोस्टली वो क्या है? पत्थर से ही बने औजार प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो इसमें दोनों चीज़ों के आधार पर इसका इतिहास लिखा गया है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक, दोनों साक्ष्यों के आधार पर इसका निर्धारण किया गया है, दोनों से हेल्प लेके इसका इतिहास लिखा गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं पैलियोलिथिक एज पाषाण काल की। पाषाण काल को तीन फेज, थ्री फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है, तीन भागों में बांटा गया है, एक तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल क्या है? पूरा पाषाण काल का जो टाइम लाइन है वो माना जाता है कि 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, और जो मध्य पाषाण काल है वो 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व माना गया है, और जो नौ, ये मध्य पाषाण काल हो गया, नौ पाषाण काल जो है वो 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व माना गया है। एक्चुअली इसका बिल्कुल एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, जैसे जैसे साक्ष्य मिलते जा रहे हैं उस हिसाब से जो जो डेट है वो चेंज होता जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है। तो इसमें आपको ये रटने की जरूरत नहीं, बस एक आइडिया रखना है कि 5 लाख साल पहले से हमें ये साक्ष्य मिले हैं। अलग अलग किताबों में ये टाइमलाइन अलग अलग हो सकती है, तो इसलिए आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक मोटा मोटा एक टाइमलाइन थोड़ा सा याद रखिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल को फिर से तीन भागों में बांट दिया गया है। 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक ये पूरा पाषाण काल था। ठीक है, इसमें इसको भी तीन भागों में बांट दिया गया है, इसमें निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। तो जो निम्न पाषाण काल है उसको 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व माना गया है, और जो मध्य पूरा पाषाण काल है उसको 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व माना गया है, और इसके बाद जो पूरा पाषाण काल है उसको 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना गया है। तो इस तरह से इसका डिवीजन किया गया है इन कालों का, और अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इस पाषाण काल के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो पाषाण काल को मैंने जैसा कि बताया था कि तीन भागों में बांटा गया था, उसमें से हम जो पहला भाग है पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल, इसके बारे में देख लेते हैं। इसके औजार किस तरह से थे, उन लोगों की जो जीवन शैली थी वो किस तरह की थी, और ये जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं पुरातात्विक साक्ष्य, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये हमने बताया कि पाषाण काल को
पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया, निम्न पाषाण काल को भी बांटा गया, फिर पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो देखिए जब निम्न पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो उस समय जो मनुष्य था, आदिमानव था, वो बिल्कुल नग्न अवस्था में रहता था, उसके पास कुछ था ही नहीं। जैसे कि कहा जाता है कि जो होमो सैपियंस थे, ठीक है, होमो सैपियंस ये जो ज्ञानी मानव कह सकते हैं वो 30,000 से या 40,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो निम्न पूरा पाषाण काल में हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स का प्रयोग, तच्छड़ी काटने का औजार, ये सब लोग ये प्रयोग करते थे ये औजार। और उस समय के जो औजार हुआ करते थे वो बड़े बड़े साइज के हुआ करते थे, पत्थरों का उपयोग करते थे क्योंकि उतना, और जो बहुत मतलब जो हथियार थे वो शार्प नहीं हुआ करते थे, वो हथियार बहुत ही टेढ़े मेढ़े और इस तरह से होते थे, चिकने नहीं होते थे। ठीक है, तो इस तरह के हथियार। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मध्य पूरा पाषाण काल में पहुंचे तो थोड़ा सा उनके अंदर और अच्छे, मतलब जो पहले था उससे थोड़ा सा सुधार हुआ। ठीक है, उसमें फलक, बेदनी, खुरचनी, ये सब क्या है, काटने वाले औजार हैं जो उस समय थी। उच्च पूरा पाषाण में जब पहुंचता है मानव तो तच्छड़ी और खुरचनी का प्रयोग करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं, नीचे किनारे सोहन घाटी है, पेबुल चापर चॉपिंग संस्कृति, दक्षिण भारत के हैंड एक्स क्लीवर संस्कृति, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है और बेलन घाटी जो यूपी में। एक्चुअली ये जो संस्कृति लिखा हुआ है उस समय जो उस तरह के हथियारों का जो प्रयोग होता था उसी के आधार पे इसमें जो है उसी के आधार पे इसमें इस संस्कृति का नाम दे दिया जाता था। अब जैसे मान लीजिए कि ये टेबल चॉपिंग जो है, चापर बड़े बड़े आकार वाला उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता था, इसमें एक तरफा धार होता था, काटने में इसका उपयोग किया जाता था। चॉपिंग जो था वो दोहरी धार वाला काटने का औजार होता था, इसलिए इसी आधार पे ये पेबुल चापर चॉपिंग संस्कृति कहा गया है। ठीक है, जो आपका मध्य पूरा पाषाण काल है, ये फलक, बेदनी, खुरचनी काटने वाले अधिकार, ये बेतवा घाटी में सोन नदी जो ये मध्य प्रदेश में है, सोन नदी के पास की घाटी, कृष्णा घाटी कर्नाटक में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में और नेवासा घाटी महाराष्ट्र में, इन सब स्थानों पे ये जो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य हैं वो प्राप्त किए गए हैं। इसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो बेलन घाटी यूपी, रेणीगुटा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश और सिंहभूम ये बिहार में है। तो ये देखिए, ये एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ये तो आपको बिल्कुल मगअप कर जाना है, बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, कौन से हथियार प्रयोग में लिए जाते थे और क्या चीज़ें थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ के कृषि की, तो कृषि यहाँ पे नहीं होता था। कृषि क्यों नहीं होता था, क्योंकि वहाँ का जो जीवन था वो अस्थायी नहीं था, लोग शिकार करते थे, शिकारी जानवरों पे निर्भर करते थे, खेती नहीं करते थे। तो जब खेती नहीं करेंगे तो कहीं से वो जो खाद्य सामग्री है उसको इकट्ठा भी नहीं करेंगे, बड़ी मुश्किल से ही कर पाएंगे। खाद्य सामग्री के रूप में उसमें क्या था, फल थे, फल वगैरह थे जो जंगलों में लगे होते थे, बस वही थे। आग की खोज अभी नहीं हुई थी उस समय, ठीक है, अस्थाई आवास की कोई व्यवस्था नहीं थी। अस्थाई आवास कब आएगा, जब लोग कृषि करने लगेंगे तो कृषि करने के लिए उनको एक जगह रहना पड़ेगा, तब अस्थाई आवास आएगा जो हम आगे देखेंगे। बर्तन भी अभी उन लोगों ने नहीं बनाया था, पशुपालन की भी व्यवस्था नहीं थी, उसके बारे में भी जानकारी नहीं थी। कपड़ा जो है, कपड़ा ये उच्च पूरा पाषाण काल में वहाँ पे जो गुफा चित्रकला पाई गई है उससे ये पता चलता है कि जो कपड़े के रूप में ये पशुओं का जो चर्म था, ठीक, खाल जो उनकी होती थी उसका प्रयोग ये कपड़े के रूप में, अपने तन ढकने के रूप में करते थे। पहले तो ये नग्न अवस्था में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में इन्होंने शिकार करते थे, शिकार करने के बाद मारते थे, तो उनकी जो खाल होती थी उसका प्रयोग वो कपड़े के रूप में करते थे। तो जीवन शैली में हम देखते हैं कि उस समय बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे, शिकार करने के लिए उनके पास कोई बहुत अच्छे औजार नहीं थे, अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, फिर बाद में तराशे हुए पत्थर का प्रयोग करने लगे और पेड़ों को भी काटने लगे। ठीक है, और जब पेड़ काटेंगे, कब पेड़ काटेंगे, तो फिर उनको झोपड़ी भी बनाएंगे, वो सब बाद में होता है उच्च पूरा पाषाण काल में। ठीक,
ये उत्पादक नहीं थे, खाद्य संग्रह नहीं करते थे, उत्पादक नहीं थे, उपभोक्ता थे, मतलब ये उत्पादन नहीं करते थे, जो नेचुरल चीज़ें मिलती थी उसी से ये अपना पेट भरते थे। पशुओं के जीवाश्म तो मिले हैं लेकिन मानव के जीवाश्म नहीं मिले हैं। एक जगह मिला है अपवाद स्वरूप, मध्यपुरा पाषाण काल के हथियार बनाने में, जब मध्यपुरा पाषाण काल में पहुंचता है तो वहाँ पहले क्वार्टजाइट का प्रयोग करते थे, और बाद में जब मध्यपुरा पाषाण काल में जैस्पर, चर्ट, ये चमकीले पत्थर हैं, इनका प्रयोग करते थे, ठीक है। और इसी को फलक संस्कृति कहा गया है, फलक संस्कृति, ठीक है। सामुदायिक जीवन का विकास उत्तरपुरा पाषाण काल में होने लगता है, सामुदायिक जीवन, कम्युनिटी, एक साथ लोगों का रहना, ठीक है, अपने आप को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए कि उन पर अटैक ना कर सके, एक साथ जब ढेर सारे लोग रहेंगे तो सामुदायिक जीवन का विकास जो है वो उत्तरपुरा पाषाण काल में होने लगा, ठीक है। और इस समय मतलब अधिक सुदृढ़ हो गया, होने तो पहले से ही लगा था लेकिन उत्तरपुरा पाषाण काल में ये जो व्यवस्था थी वो अधिक सुदृढ़ हो गई, इससे परिवार का चलन बढ़ा, मतलब परिवार के रूप में रहने लगे, ठीक है। लैंगिक आधार पर श्रम का विभाजन हो चुका था, जब एक साथ लोग रहने लगेंगे, परिवार के रूप में रहने लगेंगे तो लैंगिक आधार पर उनका विभाजन भी हो जाएगा। गुफाओं के अतिरिक्त ये पाया गया है कि ये झोपड़ियों का प्रयोग करते थे, ये पेड़ को जब काटने लगे, भाई जब एक जगह रहने लगेंगे तो वहाँ पे ऐसी जगहों पे रहते थे जहाँ पे नदी होता था, नदी के आसपास, ताकि उनको जल मिल सके, ठीक है। और कोई ज़रूरी तो है नहीं कि जब गुफा में रहेंगे तो जल पीने के लिए उनको दूर जाना पड़ेगा, कोई गुफा जरूरी तो है नहीं कि नदियों के पास ही होगा, तो उसका विकल्प इन लोगों ने खोजा। जब इनके पास हथियार आ गए पेड़ों को काटने के लिए, तो पेड़ों को काटा और गुफा के साथ साथ गुफा में भी रहते थे, उसके अलावा इन लोगों ने नदियों के किनारे झोपड़ी भी बनाना शुरू किया, ठीक है, तो झोपड़ियों में भी ये रहने लगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा पूरा पाषाण काल के बारे में। इसके बाद हम लोग मध्य पाषाण काल देखते हैं, ठीक है।